मेरे पिता अश्विनी कुमार भारत के एकमात्र पिता हैं जिन्होंने एक पिता के रूप में इतिहास रचा है। मूल रूप से उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया था, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मेरे कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मुझे पत्रकारिता अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के दौरान बाल विहार से स्नातकोत्तर तक के लिए सभी विषयों को पढ़ाया, संचारी अंग्रेजी यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश और स्वर विज्ञान यानी फोनेटिक्स जैसे विषयों को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने नए ढंग से लागू किया था। इसीलिए मेरे पिता ने सार्वजनिक संबंध और पत्रकारिता में अपना स्नातकोत्तर पूरा किया और मुझे पढ़ाया। जब मेरी आयु लगभग 13 साल की थी और मैं एशिया की पहली लड़की बनी जिसने पत्रकारिता में स्नातक किया। उसी तरह मेरे पिता ने कभी किसी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया और ना ही टेबल टेनिस के किसी प्रोफेशनल रैकेट को देखा, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने टेबल टेनिस सीखा और अभ्यास किया, मुझे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनाया। और मेरे पिता चीन और हांगकांग में मेरे कोच के रूप में प्रतिनिधित्व किया। मेरे पिता सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय कोच बने। मेरे पिता ने मुझे संगीत सिखाया। मैं एक गायिका हूँ और पियानो वादक भी हूँ। जब मैं पियानो बजाती हूँ तो मेरे पिता ढोलक पर मुझे संगत देते हैं। फिंगर फ्रेंजी जैसे खेल मुझे कंप्यूटर पर खेलने को कहा और खेलते खेलते मुझे उस खेल की आदत सी पड़ गई और कुछ ही दिनों में मैंने सिर्फ 1.72 सेकंड्स में ए टू जेड टाइप करना सीख लिया। मेरे पिता भोजन प्रिय है और खास तौर पर हैदराबादी बिरयानी उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए हर रविवार को उन्होंने मुझे बिरयानी पकाने के लिए कहा और मुझे बनाने का तरीका बताते थे और फलस्वरूप मैं आज हैदराबादी बिरयानी सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। उन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सीखी और साथ ही वे फोटोशॉप के संचालन में भी पारंगत हुए और साथ ही साथ प्रीमियर प्रो और CS6 जैसे ट्विफ सीखे और बाद में उन्होंने मुझे सिखाया। बचपन से ही उन्होंने मुझे रामायण के 108 श्लोक और भगवद गीता का पाठ कराया। एक बात साझा करते हुए मुझे विस्मित लगता है कि मुझे शारीरिक प्रशिक्षण में अच्छी रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रुचि विकसित की। उसके लिए उन्होंने लगभग 40 अन्य छात्रों को इकट्ठा किया और लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में फिटनेस शुरू की और वह धीरे धीरे मेरे सामने आने के बजाय उन्हें फिटनेस कराते थे और धीरे धीरे मैं भी आकर्षित हुई और ईश्वर की कृपा से वर्तमान में मैं जुनून के साथ फिटनेस करती हूँ। मेरे पिता के पास बच्चों को प्रशिक्षित करने की कला है और वो हमेशा प्रशिक्षण और अभिप्रेरणाओं में रुचि पैदा करते हैं। मैंने कई मैच गंवाए, मेरे पिता ने कभी मुझे हतोत्साहित नहीं किया, वह हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। 2005 से लेके 2015 तक उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना पेशा छोड़ दिया और मुझे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान वह कई सामाजिक समस्याओं आर्थिक समस्याओं से गुजरे, लेकिन कभी भी मुझे महसूस होने नहीं दिया और हमेशा मुझे सकारात्मक रूप से प्रेरित किया। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि वह केवल दुनिया में एकमात्र पिता है जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन भावनाओं को त्याग दिया और अपना कीमती समय पूरी तरह से समर्पित हम भाई बहन के नाम कर दिया। जब मैं अपने पिता से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, तो वह बताते हैं कि बेटा मैंने आपको अच्छे कर्म विरासत में दी है और यह अमूल्य विरासत आपको पहचान देगी, ना कि धन दौलत रुतबा। और आज उनके दिए गए शिक्षा दीक्षा की वजह से हम दोनों भाई बहन अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी और ओमान जैसे देशों में अपना लोहा मनवाया है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ राज्य मीडिया ने हमेशा
मेरी और मेरे भाई अगस्त जायसवाल की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मेरे पिता ही वास्तविक में असली नायक है। वह टेबल टेनिस में मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे बाल विहार से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी केजी टू पीजी तक सभी विषयों को बखूबी सिखाया। वह मेरे संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग के साथ साथ फोटो एडिटिंग भी सिखाई। मेरे पिता ने ही मुझे रसोई कला से अवगत करवाया और मुझे पकाने में भी काफी रुचि है। इसका मूल कारण मेरे पिता है। इस कला को सिखाने वाले मेरे पिता ही है। उन्होंने मुझे आध्यात्मिकता का अर्थ समझाया और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना सिखाया है। लाखों लोग मेरे भाषणों की सराहना करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि मैंने मेरे पिता से साहित्य सीखा, अध्ययन करना सीखा है। कारणवश आज मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हूँ। मुझे भारत की ओर से शांति दूत के तौर पर विश्व शांति बर्लिन जर्मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस विशेष दिन यानी फादर्स डे पर बालिका मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक भेदभाव जो गुजरा है वो मैं आपको बताऊंगी। जब मेरा जन्म हुआ तब अधिकांश सामाजिक रुतबा रखने वाले लोगों ने कहा कि बेटी पैदा हुई है, दहेज के लिए सोना खरीदो, परंतु मेरे पिता ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं सोना नहीं खरीदूंगा, लेकिन अपनी बेटी को सोने की बना दूंगा। और यह सच हुआ। मैंने विशेष रूप से पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। मेरे पिता की देशभक्ति की भावना ही मुझे प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान में मेरे टूर्नामेंट के दौरान हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मेरे पिता ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे भारतीय ध्वज को कभी भी ऊंचा रखना जरूरी है। मेरे पिता ने कभी भी कुछ नहीं पूछा था मुझसे, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा अपना तिरंगा पाकिस्तान में जरूर लहराना, एक ऐसा उपहार दो जो जीवन भर उसे देखकर मैं गर्वित महसूस करूं। और वह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में स्वर्ण पदक द्वारा ही हो सकता है। और मैं उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते हुए मैंने उनसे वादा किया था और वादे के मुताबिक मैंने दोहरा स्वर्ण पदक लिया पाकिस्तान में। मेरे पिता का कहना है कि हर बच्चे में क्षमता होती है और उनमें बहुत प्रतिभा होती है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए और हर बच्चे के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए मेरे अलावा उन्होंने मेरे भाई अगस्त जायसवाल को शिक्षित किया और कई और बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हर माता पिता मेरे पिता की विचारधारा को लेकर आगे चले तो सभी बालक और बालिकाएं भारत का नाम विश्व में रोशन करेंगे।